नमस्कार दोस्तों, साधनाज बास्केट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोंद का हलवा बनाएंगे। जैसे सबको पता ही है कि गोंद हमारे लिए कितने फायदेमंद होती है, इसके लिए हमने गोंद, कुछ ड्राई फ्रूट्स, चीनी, घी और दूध लिया हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस गोंद को आप किसी भी किराने की दुकान या डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद सकते हैं, जहां ये बहुत आसानी से मिल जाती है। हमने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। ये देसी घी है। घी अब गर्म हो चुकी है। इसमें 12-15 बादाम डाल करके थोड़ा फ्राई कर लेना है। बादाम को 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 10-12 काजू डाल करके इसे भी 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेना है। इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल देते हैं। इसे निकाल लेंगे। अब इसमें ये गोंद हमने जो 1 कटोरी लिया हुआ था उसे डाल करके फ्राई कर लेना है। इसे चलाते हुए भून लेना है। ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अब इसे निकाल लेंगे। गोंद के फ्राई हो जाने के बाद उसे निकाल लिया है और इस बचे हुए घी में ही थोड़ा सा मखाने को डाल करके भून लेना है हमें। मखाने को लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे, जिससे ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद इसे निकाल लेना है। मखाने अब क्रिस्पी हो चुके हैं, इसे अब निकाल लेना है। हमने मखाने जो फ्राई करके रखे हुए थे, इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका पाउडर बना लेना है। ये फ्राई किए हुए गोंद हैं, इसे इस तरह की एक कटोरी ले ले और इसे दबाते हुए इसे चूरा कर लेना है। थोड़ा दरदरा सा इसका पाउडर कर लेना है। इसे ऐसे दबाएंगे तो बहुत आसानी से ही ये फूट जाते हैं। हमने ऐसे दबा दबा करके गोंद का चूरा बना लिया है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, दरदरा सा इसका पाउडर बन गया है। ऐसे आप मिक्सर ग्राइंडर के जार में भी डाल करके इसकी पाउडर बना सकते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है और फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। इसमें 2 टेबलस्पून नारियल के पाउडर हैं, उसे डाल देंगे। और मखाने के पाउडर जो हमने बना के रखे थे वो 2 से 3 चम्मच इसमें मिक्स कर देना है और इसे भी मिला लेंगे। इसके बाद ये गोंद के जो चूरा बना करके हमने रखा हुआ था उसे सारा डाल करके इसे हल्का सा पकाते रहेंगे। लगातार चलाते हुए थोड़ा पका लेंगे। फ्लेम को हमने स्लो ही रखा हुआ है और सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद मैंने ये कोकोनट मिल्क लिया हुआ है। ये 1/2 लीटर मिल्क है। आप इसके जगह गाय, भैंस, किसी का भी दूध ले सकते हैं। और इसे डाल देंगे धीरे धीरे करके। फ्लेम को बिल्कुल ही कम ही रखना है, बहुत तेज नहीं कर देना है। लो फ्लेम पर इसे लगातार हमें चलाते रहना है, जिससे ये नीचे ना बैठ जाए। और इसमें गोंद जो हमने डाला है और मखाना सब अच्छी तरह से पक जाएंगे। मखाने की वजह से ये और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी और गोंद जैसे जैसे पकती जाएगी वो और भी सॉफ्ट हो जाएगी।
मैंने इसमें कोकोनट मिल्क डाला है, आप ऐसे नॉर्मल मिल्क भी डाल करके इसे बना सकते हैं। और गाढ़ी होने के लिए मखाने के पाउडर का इस्तेमाल किया है, उसके जगह आप पिसे हुए चावल भी डाल सकते हैं। हमने इसमें कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया है इसीलिए ये फटा हुआ नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल दूध का इस्तेमाल करेंगे तो गोंद में डालते ही दूध फट जाता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि दूध गोंद में जाते ही फट जाता है। अगर आपको लगे कि ये हलवा बहुत गाढ़ा नहीं हुआ है तो इसमें एक दो चम्मच और मखाने की पाउडर हम मिक्स कर देंगे और इसे चला करके पका लेंगे। अब इसमें एक कटोरी चीनी डाल देना है, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने जितनी गोंद ली थी उतनी ही चीनी डाल दी है और इसे मिलाते हुए पका लेंगे। इसे लगातार अच्छी तरह से पकाएं क्योंकि गोंद काफ़ी चिपकने वाले होते हैं, यह कढ़ाई के चारों तरफ अच्छे से चिपक जाती है, इसके लिए इसे लगातार चलाते हुए ही हमें पकाते रहना है और साइड को भी ऐसे खरोचते हुए ही हमें पकाना है। यदि आप चावल के पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे पानी के साथ ही घोल करके मिक्स करें, नहीं तो वो लम्स की तरह जम जाती है। अब इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे उसे काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इसमें डाल देंगे। एक टीस्पून इलायची के पाउडर है उसे भी मिक्स कर देना है, इसे चाहें तो ना भी डालें आप। ये जायफल लिया है इसे थोड़ा सा घिस के डाल देंगे, बहुत ही ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा डाल देंगे। हलवा बनकर के अब तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। गैस बंद कर दिया, जैसे जैसे ये ठंडी होगी थोड़ी और गाढ़ी होते जाएगी, सर्व कर लेना है। गोंद का हलवा बन करके बिल्कुल ही तैयार हो गया है, इसे एक बार आप जरूर ही ट्राई करें। फ्रीज में रख करके इसे एक वीक से 10 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है जब खाना हो तो इसे हल्का सा गर्म कर लें और खाएं। मेरी रेसिपी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरी रेसिपी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। The secret flame.